दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके नाम से तो पूरी दुनिया ही वाकिफ है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल प्ले स्टोर के बारे में, जो कि आज गूगल प्ले स्टोर को पूरे 145 देशों में यूज किए जाते हैं। और खास बात यह है कि गूगल प्ले स्टोर की मदद से आपको म्यूजिक, मैगजीन, बुक, न्यूज और भी बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाते हैं। और हालांकि कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े सक्सेसफुल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल प्ले स्टोर की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों गूगल प्ले स्टोर की इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर के नाम से ही पता चल रहा है कि प्ले स्टोर गूगल की कंपनी है और गूगल अपने यूजर के लिए हर साल कुछ ना कुछ नई चीजों को निकाला करती थी, कभी गेम को, कभी म्यूजिक को, तो कभी टीवी शोज को, जिससे कि गूगल के फीचर समय पे समय अपडेट होती रहती थी और कुछ ना कुछ नए नए प्रोडक्ट को गूगल अपने यूजर्स को फ्री में प्रोवाइड किया करती थी। जिस वजह से 6 दिसंबर 2010 को गूगल ने ई बुक स्टोर को 3 मिलियन से ज्यादा किताबों के साथ लॉन्च किया था, जो कि ये गूगल की ई बुक स्टोर दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बुक स्टोर थी, जो कि एक जगह से बैठे बैठे दुनिया की कोई भी किताबें बहुत आसानी से पढ़ी जा सकती थी। और ऐसे ही 2011 में गूगल ने गूगल म्यूजिक को लॉन्च किया, जो कि इसमें भी लाखों म्यूजिक थे, जो कि वॉइस सेम एक जगह से लाखों म्यूजिक को गूगल प्ले की मदद से सुना जा सकता था। लेकिन इन्हीं दो चीजों से गूगल को अपनी गलती समझ में आ गई कि अगर वो हर महीने या तो हर साल ऐसे ही नई नई चीजों को लॉन्च करते रहेंगे तो फिर यूज कौन करेगा, क्योंकि लोगों को हर एक स्पेसिफिक चीजों के लिए अलग अलग जगह जाकर चीजों को यूज करने पड़ेंगे। जिस वजह से गूगल ने एंड्रॉयड मार्केट, ई बुक स्टोर और गूगल म्यूजिक, इन तीनों को कंबाइन करके 6 मार्च 2012 को एक गूगल प्ले स्टोर को लॉन्च किया। और खास बात यह थी कि प्ले स्टोर तो गूगल की थी, लेकिन साथ ही साथ गूगल ने ऐप डेवलपर को भी अपने प्ले स्टोर में शामिल कर लिया, जो कि ये एक बहुत बड़ी सोच थी। और शायद इसी सोच के कारण आज गूगल प्ले स्टोर इतना फेमस है। लेकिन आगे देखे ये सब कैसे हुआ था। गूगल ने ऐप डेवलपर को भी अपने प्ले स्टोर में शामिल कर लिया, मतलब कि अगर आपके पास डिग्री ना हो, ना ही कोई क्वालिफिकेशन हो, लेकिन फिर भी आप अपने टैलेंट की वजह से घर बैठे बैठे गूगल जैसे बड़े बड़े कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। और अब इससे बड़ी बात हो भी कह सकती है। इसी वजह से आज दुनिया के सभी अच्छे से अच्छे ऐप डेवलपर अपने यूनिक आइडिया से अपने ऐप को डेवलप करके प्ले स्टोर में पब्लिश कर देते हैं। और इसी के चलते आपको प्ले स्टोर में बहुत अच्छे अच्छे तरीके के ऐप फ्री में मिल जाते हैं, जैसे कि टेम्पल रन, हॉट स्टार, स्नैपचैट, ओला कैब और भी बहुत कुछ, जो कि इन सभी ऐप के वजह से लोगों के काम आसान भी हो जाते हैं और कभी कभी तो इंटरटेनमेंट भी हो जाते हैं। और गूगल अपने ऐप डेवलपर को उनके हिस्से का 70% अमाउंट पे करती है और बाकी के 30% गूगल को डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर और ऑपरेटिंग फीस के लिए चल जाते हैं। लेकिन इन सबसे पहले ऐप डेवलपर को अपने ऐप को प्ले स्टोर में पब्लिश करने के लिए शुरुआती टाइम में सिर्फ एक बार $25 पे करने पड़ते हैं। और 2017 में प्ले स्टोर में पूरे के पूरे 3.5 मिलियन ऐप को पब्लिश किया गया था। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि प्ले स्टोर में करीबन 3 मिलियन से ज्यादा लोग काम करते हैं। और 2016 में 42 बिलियन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया था। और आज प्ले स्टोर को 145 से ज्यादा देशों में यूज किया जाता है। और गूगल प्ले स्टोर अपने लॉन्चिंग डेट के 5 साल के अंदर ही वर्ल्ड बेस्ट पॉपुलर ऐप को लॉन्च किया था, जिस वजह से गूगल प्ले स्टोर को इनक्रेडिबल डेवलपर बेस्ट ऐप कम्युनिटी का अवार्ड भी दिया गया था। और आज फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे बड़े बड़े कंपनी के ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करके यूज किए जाते हैं।